नमस्कार, मैं शुभम पांडे स्वागत करता हूं आपका खबरों की खबर में। चलिए शुरू करते हैं। खबरों की खबर में आज बात T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों की। भारत ने अहम मैच में बांग्लादेश को मात देते हुए ICC T20 विश्व कप में अपनी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को पुख्ता कर लिया है, लेकिन इससे बाकी टीमों के समीकरण पर असर पड़ सकता है। भारतीय टीम ने बुधवार को एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए मैच में बांग्लादेश को हरा दिया। बारिश से बाधित इस मैच में टीम इंडिया ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने ICC T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप 2 में सिर्फ 4 मुकाबले बचे हैं, लेकिन अब भी यह स्थिति साफ नहीं हुई है कि इस ग्रुप से वह कौन सी 2 टीम्स हैं जो विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बुधवार को बांग्लादेश पर 5 रनों से जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई है, जबकि साउथ अफ्रीका 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि अब भी सबसे ज़्यादा बस तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर बना हुआ है, क्योंकि टीम ने शुरुआती 2 मुकाबले ऐसे गंवाए कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पड़ोसियों के घर चल क्या रहा है। ऐसे में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान अब भी T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। इसका जवाब हम देते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की टीम T20 विश्व कप से बाहर होने के दरवाजे पर ही खड़ी है। पाकिस्तान के अभी 3 मैच में 2 पॉइंट्स हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो उन्हें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को बाकी बचे 2 मुकाबलों में हराना होगा, जिससे उनके कुल 6 पॉइंट्स हो सकेंगे। बाकी अब भारत जिम्बाब्वे को मात देकर आसानी से सेमीफाइनल में पहुँच सकता है। बांग्लादेश की स्थिति भी अब पाकिस्तान की तरह ही है। उसे भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पहले पाकिस्तान को हराना होगा, साथ ही भारत के जिम्बाब्वे एवं साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ हार की दुआ करनी होगी। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण आसान हो सकता है। साउथ अफ्रीका के लिए समीकरण साफ है, यदि वह पाकिस्तान या नीदरलैंड से मैच जीत लेती है तो उसका सेमीफाइनल का स्पॉट पक्का हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे हिसाब से स्थिति यह बन रही है कि भारत और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में खेलेंगे। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।